आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह अठारह सोलह, है ना, दो कितने सारे आ रहे हैं। तो मुझे 48 लेना है, तो 48 ले लेता हूँ। 48 अच्छा दिखता है। देखिए और भी बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। देखो हाईलाइट, हाईलाइट करना चाहते हो, हाईलाइट करूँ क्या? देखो हाईलाइट हो गया ना हाईलाइट। ये देखिए बहुत सारे हैं, नंबर कर सकते हो इसमें। देखिए और एडिटिंग है, टेक्स्ट को बीच में साइड में कैसे भी ले सकते हैं अपन। और भी बहुत सारे इसमें एडिटिंग की जा सकती है। अब देखिए, अब मैं इसमें तस्वीर डालना चाहूँगा, मैं इसमें ना एक मैं फोटो भी डालूँ। तो मैं पहले पेज पर जहाँ भी डालना ना, हाँ मैं आ रहा हूँ। तो मुझे शुरुआत में डालनी है, देखिए मैं शुरुआत में आ रहा हूँ। इसको ये पहले पेज पे आ गया है ना, शुरुआत में जहाँ यहाँ पर इसको मैं नीचे एंटर से नीचे ले लिया और यहाँ आता हूँ मैं। अब मुझे तस्वीर डालनी है ना, तो मैं तस्वीर इंसर्ट ड्रा लेआउट रिव्यू व्यू बहुत सारी स्कीम्स में मैं इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट में देखिए पिक्चर, ब्लैंक पेज है, टेबल है, टेबल एंड को टेबल डालना चाहो इसमें, लाइन खाने है ना। मैं पिक्चर लेता हूँ, पिक्चर लेने के बाद मैं फोटोज में जाता हूँ। फोटोज मेरे पास देखिए, जैसे शिक्षा विभाग है, मैं यही ले लेता हूँ। आगे शिक्षा विभाग मैं इसको क्रॉप भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से, मुझे क्रॉप नहीं करनी है अभी। मैं इसको सिलेक्ट ओके कर देता हूँ, ये देखिए आ गया। अब मैं अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। देखिए इसको बट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए हो गया ना, ये देखिए आराम से, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। अब इसमें मैं कुछ लिख भी सकता हूँ, जैसे मुझे लिखना है आपका स्वागत है शिक्षा विभाग समाचार समूह है, आपका अभिनंदन करता है। हो गया ना। इसका मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, देखिए कलर कर रहा हूँ मैं चेंज इसको। मैं कलर ले रहा हूँ वापस वहीं से, जैसे अब की बार मुझे कलर लेना है, कौन सा वाला बेस्ट रहेगा, जैसे कि ये ले लेता हूँ। देखिए हो गया ना, देखिए ये कलर अलग है और ये कलर अलग है। अब मुझे इसको सेव करना है, रीनेम करना है और फॉरवर्ड करना है। तो ये जो तीन जो मेनू बार ऊपर दिख रहा है ना, इसमें तीन ये कुछ नहीं दिख रहे, इस तीन को ओके करता हूँ तो आएगा सर बिना रीनेम करे सेव कर दूँ, सेव सेवेज स्ट्रिप प्रिंट। मैं इसको सेव करूंगा तो रीनेम हो जाएगा। देखो रीनेम करने के लिए सेव करना पड़ेगा मुझे, तो